संग्राम सर आज हिंदुस्तान की वो हस्ती हैं जो पूरे विश्व में जिन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां एक और बार संग्राम सर के लिए। संग्राम सर ने हमारी कंपनी के साथ हाथ मिलाया, इसका एक ही कारण था कि संग्राम सर को विश्वास था कि एब्सोल्यूट एक अच्छा ब्रांड है। आज साल जो फिटनेस क्लब उसका ओपनिंग था और वही बाजू में एक न्यूट्रिशन शॉप खुल रहा है जिनका काम चल रहा है। रात को 2 बजे यहाँ पे आया था, तो रात को 2 बजे से काम चल रहा है जिम का, लेकिन जिम का सेटअप करना बहुत मुश्किल का काम रहता है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो घाट मैनेज करना है, देन जो शॉप का काम है वो सारी चीज़ें अभी काम चालू है उसका। मे भी लगता है कि कल तक कम्प्लीट हो जाएगी, लेकिन तब तक मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। आपका जो प्यार मुझे मिला यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं झारखंड में आया हूँ, इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसगाइड मिसकनसेप्ट है कि इसको सप्लीमेंट में नहीं बोलते, आप इसको बोलते हो कि पाउडर। तो पाउडर जो रहता है, तो आप पाउडर रहता हो, पाउडर आप मुँह पर लगाते हो, सप्लीमेंट आप मुँह पर लगाते नहीं हो। तो सप्लीमेंट जो है उसको खाना रहता है और हमें को लगता है कि अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट पियोगे तो आपका भारी बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लीमेंट जो है आपका खाना रिप्लेस कभी नहीं करेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट खाते हो तभी आपका बॉडी एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा। और फिर यहाँ पे बात आता है कि मैंने एब्सोल्यूट क्यों ज्वाइन किया। अब तो लॉन्ग टाइम मैं पहले 2-3 ब्रांड के साथ काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी कि मुझे जो आप सबकी नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में इतना ज़्यादा यंग क्राउड है, हर एक चीज है कि हमें बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बॉडी अच्छा बना रहा है, लेकिन सब लोग यानी मोस्टली यहाँ पे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रहा कि कैसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वर्कआउट कितना करना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदे जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग 8 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 8 घंटा वर्कआउट करूँगा तो मेरा काम कब करूँगा, मेरा जॉब जो है जॉब कब करूँगा और मैं सोऊँगा कब, ये सब चीज़ें 8 घंटे के काम से होगी नहीं। तो वर्कआउट का मैक्सिमम टाइम रहता है 1 से 1.5 घंटा। अगर आप 1 से 1.5 घंटा अच्छा वर्कआउट करते हो, जिम में जाना मतलब वर्कआउट करना नहीं रहता। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं और चले आते हैं, बोलते हैं कि मेरा जिम का वर्कआउट हो गया, तो जिम में जाके आना मतलब वर्कआउट नहीं है। जिम में जाके इको बंद कर सकते हो, इको बंद कर सकते हो, तो जिम में जाके वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। और वर्कआउट मतलब क्या, जाके सिर्फ वेट उठाना नहीं है, वेट उठाना रहेगा। अगर हर कोई वेट उठाता है तो आप देखते रहेंगे कि जो ट्रक खाली करते लोग, तो उनका वो सबसे ज्यादा वेट उठाते हैं, मे बी 100 kg का बोरी उठा के वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। उनका बॉडी के लिए खाना चालू करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपका पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो पेट जिनको भी कम करना है, तो उनके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं। पेट कब बढ़ता है आपको मालूम है क्या? पेट कब बढ़ता है? अगर आप पेट भर के खाते हो तो अगर आपको पेट कम करना है, सिंपल चीज है, पेट को भरने मत दो, बराबर है ना? तो कैसे कि अपना पेट, अपना बॉडी इतना अच्छा बना है, आप जितना भरोगे उतना स्ट्रेच हो जाएगा। अगर गुब्बारा रहेगा, गुब्बारा में पानी भरोगे, एक लेवल तक वो पानी सस्टेन करेगा, उसके बाद वो फूट जाएगा। तो अपना बॉडी का ऐसा है नहीं, आप जितना भी डालोगे ना वो बॉडी बढ़ाते जाएगा और आपको आपकी प्रॉपर्टी बढ़ाते जाएगा। तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, आपका अंगूठा, आपको मालूम है कि अंगूठे की नेल्स कितने बड़े हैं, क्योंकि आपका पेट इतना बड़ा है, पैर देखने पाओगे। तो सिंपल बात है ना यार, सिंपल कैसे कि इतने सारे लोग पेट बढ़ा करके घूमते हैं। अगर किसी की सिस्टर रहेगी, किसी की बहन रहेगी, अगर शादी के बाद अपनी बहन प्रेगनेंट रहती है तो उनको 9 मंथ तकलीफ होता है कि उनका पेट लेके घूमना पड़ता है उनको। तो 9 मंथ के लिए उनको तकलीफ इतना होता है। और यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं कि पूरा जिंदगी वो पेट लेके घूमते हैं। कि मेरा आइसोलेट जो है अभी है, आइसोलेट है। आइसोलेट का क्या मतलब रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम रहता है और ये बॉडी इमीडिएट एब्सॉर्ब करके लेती है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि एक टाइम पे 2 से 2.5 स्कूप, जिसमें मुझे 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपका रिक्वायरमेंट उतना रहता नहीं है, मे बी आप हाफ स्कूप से चालू कर सकते हो और 1 स्कूप के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट क्या है कि आप वे प्रोटीन और गेनर्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और प्रोटीन भी है। जो नॉर्मल लोग हैं कि जिनको गेन करना है मसल, आप वे प्रोटीन या फिर आप गेनर खा सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे कि मैं आइसोलेट खा रहा हूँ, तो बोलोगे कि मैं आइसोलेट ही खाता हूँ, आप आइसोलेट खाओ। जो नीड है आपको वो करना चाहिए। और सप्लीमेंट की नीड सबसे ज्यादा किसको है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि आपके लिए 2 ही ऑप्शन रहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स और प्लांट सोर्स। और ये प्रोटीन जो है वो प्लांट से मतलब दूध से बनता है। तो जो लोग दूध पी सकते हैं वो लोग सप्लीमेंट खा सकते हैं। तो सप्लीमेंट आपको अगर डिसाइड करना है कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है तो उसी को आप फॉलो करो, वही सप्लीमेंट आप ले लो कि जो जेन्युइन आपको लगता है कि सच में। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने जिंदगी में किसी को साथ चीटिंग कभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे आपको फंसा के कुछ मिलने वाला है नहीं कि आप लोग इसमें मुझे फॉलो कर रहे हो, आप इतने 2 घंटे से लेकर रुके हो और यहाँ पे आके आपके साथ झूठ बात करके मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मैं वही कहना चाहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे कंपनी का ले लो, लेकिन जो भी आप खाओगे वो अच्छा प्रोटीन ले लो कि जो बंदा बोल रहा है कि मैं ये खा रहा हूँ और जेन्युइनली खा रहा है। और मुझे अगर कोई पूछता है कि सर मैं सप्लीमेंट कौन सा खाऊँ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, मुझे किसी का सप्लीमेंट और किसी कंपनी को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा कहूँ, मैं यही बोलूँगा कि यार मैं ये खा रहा हूँ, फ्लू का सप्लीमेंट खा रहा हूँ मैं। आपको ऐसे भी लेना है ना तो एक बार मेरा ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे, आपके बजट में बैठ रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है तो यू कैन कैरी ऑन। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा कंपटीशन नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम वही ले लो, तो दूसरा कौन सा लेना ही है तो एक बार मेरा खा के ट्राई करके देख लो। और मुझे 100% गारंटी है कि मैं 4 महीने 5 महीने के बाद जब यूज करूंगा मुझे बिलीव हो जाएगा। मैंने एक फैक्ट्री में जाके विजिट किया, वहाँ पे देखा कि कैसे चीजें बनती है। नहीं तो आजकल हर जगह पे खुद का सप्लीमेंट का ब्रांड निकल रहा है और आपको क्या लगता है कि अरे ये 4000 का है, ये 2000 का है ना, तो प्रोटीन रहता है, मेरे 2000 बच रहे हैं। लेकिन आप 2000 बचने के लिए आपको 4 बार खाना पड़ेगा, तो 8000 डालने से अच्छा है कि पहली बार आप अच्छा कुछ इन्वेस्ट करके अच्छा प्रोडक्ट हो। तो सेम चीज है कि अगर आप टाइम पास करने का चांस नहीं है, मैंने बनाया है, एक तो मेरा टाइम भी हो गया खाने का और बनाया भी खुद यहाँ पे कि आपको लगे कि मैं जो कर रहा हूँ मतलब झूठ नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि मैं जस्ट प्रमोट करता हूँ, मैं पीता नहीं हूँ। थैंक यू। आपको साफ करके लेना पड़ेगा, बट वही है जो मैंने आपके सामने किया। तो थैंक यू सो मच।